Hello students, our today's topic is private sector enterprises and public sector enterprises. So what is private sector enterprises? Business owned by individuals or a group of individuals. The various organizational forms are sole proprietorship, partnership, joining the family, cooperative and company. Private sector वो होता है जिसके अंदर कोई एक individual और group of individuals जो है वो लोग work करते हैं, whatever decision we are taking, whatever work we are doing, उसके लिए हम लोग खुद responsible होते हैं. इसमें government का कोई भी interference नहीं होता है. प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ये सारे जो फॉर्म्स हैं, कंपनी, ये सभी प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के टाइप है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कहीं भी कभी भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है. नाउ द सेकेंड वन इज प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस. ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय सेंट्रल स्टेट और बाय बोथ गवर्नमेंट्स. द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री थ्रू दीज इंटरप्राइजेस. जो गवर्नमेंट होती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों या तो दोनों मिलके या दोनों में से कोई एक इस ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है, और ये जो रहता है हमारी वर्क, हमारी इकोनॉमी को हैंडल करना, हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हैंडल करने का काम करता है. सो प्राइवेट सेक्टर जो होती है वो इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा वर्क किया जाता है, और पब्लिक सेक्टर जो है वो completely organized, owned and managed by government होता है, either it's central government or state government, या फिर दोनों मिलके करेंगे, but इस पर पूरा control किसका होता है? Government का होता है. Now private sector के बारे में तो हम previous chapter में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे forms of public sector. So there are three forms of public sector. First one is department undertaking, second statutory corporation, third is government companies. What is department undertaking? These are established departments of the ministry and the and are financed, managed and controlled by the central and state government. Example, Indian Railway, Post and Telegraph Department. ये जो होते हैं, ये कुछ departments होते हैं जो कि totally controlled by government होते हैं. State government, central government, जैसा हम पहले बोल चुके हैं, कोई भी government उसको handle करती है, but these are few departments which are totally handled by government. जैसे कि जो इंडियन रेलवे होती है, इसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती है, और ये एक अलग ही वर्क चलता है, इसका कहीं भी किसी भी और चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं होता है. हम जो पोस्ट करते हैं, टेलीग्राफ वगैरह का वर्क होता है, ये एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, इनका कहीं भी कोई भी लिंक नहीं होता है. सो दिस इज डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. नाउ वी विल टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग. सो फर्स्ट फीचर इज The funding of these enterprises come directly from the government treasury and are an annual appropriation from the budget of the government. The revenue earned by these is also paid into the treasury. अब इसके अंदर जो भी expenses होते हैं उसकी funding जो होती है वो annually होती है. Government जो है वो directly इसका funding करती है, और जब भी budget बनता है तो इनके लिए अलग से fund decide होता है, और इससे जो भी रिवेन्यू मिलता है, जो भी बेनिफिट मिलता है, जो भी प्रॉफिट मिलता है, वो भी सीधे गवर्नमेंट का जो रहता है, ट्रेजर रहता है, गवर्नमेंट के अकाउंट, गवर्नमेंट के पास ही जाता है वापस से, ताकि वो उसे फर्दर यूज़ कर सके. नाउ द सेकंड वन इज़ दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स अप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़. गवर्नमेंट को पूरा राइट है कि वो उन डिपार्टमेंट्स की ऑडिट वगैरह या उनकी अकाउंटिंग वगैरह चेक करवा सकती है. जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के अंदर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, उनके अकाउंटिंग पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है. नाउ द थर्ड वन इज़ द एम्प्लॉय ऑफ द इंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट एंड देयर रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस आर द सेम एज दैट ऑफ अदर एम्प्लॉयज डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट. इनके जितने भी गवर्नमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही कहलाते हैं, और उनको वही राइट्स, वही बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को मिलते हैं. दे आर हेडेड बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. IAS ऑफिसर जो होते हैं एंड सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, वो लोग उसको पूरा हैंडल करने का, कंट्रोल करने का काम करते हैं. नाउ द फोर्थ वन इज इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सब डिवाइडेड डिविजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री. जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं इनका इनके ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, मिनिस्ट्री का होता है. वो लोग चाहें उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं. दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री.
ये लोग उसके ये जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर अंडर में होते हैं वो ये लोग डायरेक्टली आंसरेबल होते हैं उस मिनिस्ट्री को, उन्हें उस मिनिस्ट्री को आंसर करना पड़ता है वॉट एवर द इशूज़, वॉट एवर द सिचुएशन, दे हैव टू आंसर द कंसर्न मिनिस्ट्री. नाउ द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. सो फर्स्ट वन इज दिस अंडरटेकिंग फैसिलिटी द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस. इसकी इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो पार्लियामेंट है वो अपना डायरेक्ट कंट्रोल होता है तो वो जो भी वर्क करना है उसे इफेक्टिवली कर सकती है क्योंकि उन्हीं का पूरा कंट्रोल है ना. द सेकेंड वन इज़ दिस इंश्योर अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. ये लोग बड़े लेवल पे पब्लिक की जो भी वर्क होता है उसके लिए वर्क पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करते हैं उनकी वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. द रिवेन्यू अर्न बाय द इंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी एंड हैंस इज़ द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट. इससे जो भी रिवेन्यू मिलता है, जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी प्रॉफिट मिलता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है. तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इट इज़ काइंड ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए एक इनकम का सोर्स होते हैं ये डिपार्टमेंट्स. नाउ द फोर्थ वन इज़ वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न दिस फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल सिंस इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री. जब भी बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है उसकी उससे रिलेटेड बात आती है तो इसके अंदर क्या होता है, ये सबसे सुटेबल होते हैं क्योंकि इसका डायरेक्टली कंट्रोल होता है, जो भी सुपरविजन होता है वो डायरेक्टली कंसर्न मिनिस्ट्री के अंडर में होता है. तो वॉट एवर क्वेश्चन वी हैव टू आस्क, वॉट एवर क्वेरी वी हैव, वी आर डायरेक्टली क्वेश्चन टू कंसर्न मिनिस्ट्री. उन्हें वो ही हमें बताएंगे, वो ही हमें आंसर कर सकते हैं उस चीज़ का क्योंकि पूरी तरह से ये डिपार्टमेंट उन्हीं के कंट्रोल में होते हैं. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस. सो फर्स्ट वन इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो है वो बहुत जल्दी फ्लेक्सिबली चेंज नहीं हो सकते. उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि एक बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, इनको कुछ भी चेंजेस लाने के लिए काफ़ी कुछ प्लान करना पड़ता है, सोचना पड़ता है. द एम्प्लॉयज़ और हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ सच अंडरटेकिंग्स आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस. उनको जो भी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू टेक डिसीजन. उन्हें कुछ भी अगर डिसीजन लेना है तो वो जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है उसके अप्रूवल के बाद ही ले सकते हैं. उनके अप्रूवल के बिना वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो. दिस इंटरप्राइज आर अनेबल टू टेक एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. ये लोग किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं बिकॉज यहाँ पर जब तक गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है या गवर्नमेंट उन्हें अलाउ नहीं करती है तो वो लोग कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं. तो ये एक टाइप से अलाउड, और गवर्नमेंट कभी भी उन्हें कोई भी रिस्की एक्टिविटी करने का या रिस्की वेंचर करने का अलाउ नहीं करती है बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर पब्लिक. प्लस वो लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, कोई भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट नहीं उठा सकते क्योंकि उन्हें उन्हीं पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा. दे आर बाउंड कि उन्हें कंसर्न मिनिस्ट्री की रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ देर इज़ अ रेड टैप इज इन डे टू डे ऑपरेशंस एंड नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी. यहाँ पे क्या होता है कि रोज़ उन्हें नए नए प्रॉब्लम्स को, नए नए इशूज़ को फेस करना पड़ता है बट दे आर नॉट अलाउड टू टेक एनी डिसीजन. कोई भी इशू आ जाता है, कोई भी सिचुएशन आ जाती है, उन्हें उसके लिए उसके अकॉर्डिंग उसके फेवर में डिसीजन लेने के राइट्स नहीं हैं. नाउ फिफ्थ वन इज़ देर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. इसके अंदर मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होने की वजह से काफ़ी सारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है बिकॉज हर एक मतलब जो भी पार्टी उस टाइम पे वर्क कर रही होगी गवर्नमेंट के अंदर, वो जो चाहे वो डिसीजंस ले सकते हैं अपनी बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग या उन्हें जो सही लगता है उसके अकॉर्डिंग. तो पॉलिटिकली इंटरफेरेंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है मिनिस्ट्री के थ्रू. दिस ऑर्गेनाइजेशन आर यूजली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स एंड डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विसेज टू दैम. लाइक अदर बैंक्स वगैरह होते हैं, जो बाकी प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, वो लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग उनसे जुड़े रहें. बट गवर्नमेंट सेक्टर का ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लोग जो डिसाइडेड है उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं लाते हैं. वो लोग गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं ना कि प्योरली पब्लिक के.
पब्लिकली वर्क नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।